क्या नाम है आपका? रहमान बागवान। रहमान भाई, आपकी उम्र कितनी है फिफ्टी नाइन, और आप रहने के लिए कहाँ पर हैं? जेजुरी, जेजुरी, पुणे, पुणे, पुरंदर तालुका, जिला पुणे, जिला पुणे। तालुका पुरंदर। तो रहमान भाई, ये है पेशेंट रहमान बागवान साहब, हमारे 8-9 महीने से हमारे अंडर ट्रीटमेंट है ओरल सीए के लिए। ओरल सीए, और वो उसका स्काल्प की बोन तक वो इरोड कर गया था, और ओरल सीए में भी बोन को उसने टच किया है, मैंडिबल को, और स्काल्प की बोन जो है, सर की जो हड्डी है, वहाँ तक ये पहुँच गया था। अभी 8 से 9 महीने में आपको क्या फ़र्क हुआ है मेहरमान में बताओ, शुरू से बताइए। 8 से 9 महीने में, पहले 1.5 महीने के अंदर डॉक्टर साहब ने मेरे को 80% ठीक किया था। उसके बाद में मैंने कुछ चीज़ों का परहेज नहीं किया। जो चीज़ मेरे को खाने को बंद थी वो चीज़ मैंने किया नहीं, वापस मेरा दुखना बढ़ गया। अगर परहेज करता तो डॉक्टर साहब ने बोले थे 6 महीने के अंदर ये कवर हो जाएगा। 1.5 या 2 महीने में 80% तो कवर हो गया था, लेकिन कुछ परहेज चीज़ खाने की वजह से मेरे को उसकी तकलीफ़ वापस हो गई। अच्छा, उसके बाद में डॉक्टर साहब ने बोले कि 6 महीने के अंदर ये अपन कवर करेंगे। अलहम्दुलिल्लाह अभी ऊपर के गाँठ 90% मेरी ठीक हो गई थी। ये पूरी सूजन थी सिर के अंदर, ये गाल की भी पूरी सूजन थी, मुंह भी मेरा खुलता नहीं था, बिल्कुल लिक्विड खाना चालू था। अभी 2 महीने में बिल्कुल परहेज, 1 महीने के अंदर पूरा परहेज बंद है, परहेज चालू है। अभी पूरा कुछ लेता नहीं मैं खाना, जो डॉक्टर साहब ने मना ही किया वो लेता नहीं। बदपरहेजी बंद है, परहेज अच्छा है अभी, परहेज अच्छा है, अभी और दवा भी चल रही है। दवा चल रही है और अलहम्दुलिल्लाह मेरे को ऊपर 90% और नीचे 70% अभी ठीक हो गया है। चलो और अच्छी ये बात 4 महीने के अंदर डॉक्टर साहब ने बोले ये भी ठीक कर देंगे। है। ओके ओके, उम्मीद है इंशाल्लाह कि ठीक हो जाएगा। हम किसी बात को गारंटी के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन उम्मीद है हो जाएगा बहुत सुधार ठीक। हो जाएगा। हमने इनको कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन का मशवरा दिए थे, लेकिन इनका अपना डिसीजन था कि इन्हें नहीं करना है। हमने आपको मना नहीं किया ना ऑपरेशन नहीं से, नहीं 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 ऑपरेशन नहीं, हमने खुद बोले कि हमको ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन कुछ करना नहीं है। तो इतने 7-8 महीने में आपने ऑपरेशन किए, नहीं, कुछ नहीं, कीमो, नहीं रेडिएशन किए? नहीं अच्छा नहीं नहीं अच्छा अच्छा ठीक है। चलो, दो जगह इनका जो है रीजन था, अलहमदिल्ला काफ़ी रिकवरी हो चुकी है, रिपोर्ट्स में भी काफ़ी फर्क हो चुका है। तो ओरल सीए विथ बोन इन्वायरमेंट, यूनानी में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अब्दुल रहमान भाई बागवान साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी है, और इनकी तरफ से हमें ये रिस्पांस मिला है कि इन्होंने दोबारा से डाइट और दवाइयाँ पिछले 2 महीने से शुरू की है। तो अलहमदिल्ला जो तकलीफ बढ़ गई थी वो अभी दोबारा रिकवर हो चुकी है। एक एक बात है डॉक्टर साहब, ये ब्रेन सर्जन को जब सिर दिखाया था हमने, ये एमडी ब्रेन सर्जन को, तो उन्होंने बोले थे ये ऑपरेशन मत करो, इसकी गारंटी वारंटी नहीं है। अगर तुम्हारा ये जो है दाढ़ का जो है, दांत का, इसका ट्रीटमेंट तुम कर सकते, इसका ऑपरेशन कर सकते, फिर भी उसका हमने डिसीजन नहीं लिया कि ऑपरेशन नहीं करना है। जो भी करेंगे यूनानी आयुर्वेदिक के हिसाब से दवाई करेंगे, दवा पानी भी बाकी कुछ करना नहीं, तो बाहर का भी मेडिसिन कुछ चालू नहीं है, अच्छा, सब यूनानी आयुर्वेदिक दवा, यूनानी चालू है। हाँ ओके ओके, यूनानी आयुर्वेदिक नहीं, यूनानी चालू है, यूनानी दवा चालू है अभी, सब आयुर्वेदिक टोटल नहीं ना, नहीं, आयुर्वेदिक नहीं। हमारी दवा चल रही हाँ है। तुम्हारी दवा चालू है, कुछ जो है मेरी आयुर्वेदिक वो तो नॉर्मल में वो लेता मैं, पर इसका कोई संबंध नहीं उसका। ओके ओके, चलो अच्छी बात है। तो अलहमदुल्ला इनको पेन भी कम हो चुका है, जो लगातार गंदगी निकलती थी वो भी कम हो चुकी है, भूख अच्छी लग रही है, नींद अच्छी आ रही है, सेहत अच्छी है, ठीक है, कोई वीकनेस वगैरह नहीं है ना। नहीं वीकनेस नहीं है। चलो ठीक है। तो एक 8-9 महीने के ट्रीटमेंट में ये काफ़ी रिकवरी हो चुकी है ओरल सीए की, और अलहमदिल्ला उम्मीद करते हैं कि और आगे चल के ये बेहतर हो जाए। अब्दुल रहमान बागवान साहब जुन्नर जेजुरी के रहने वाले हैं, इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूनानी मेडिसिन एक बहुत अच्छा सपोर्टिव रोल अदा कर सकती है कैंसर के इलाज में, ओरल सीए में खासतौर से, ये आप इस बात की तरफ, ये बहुत बड़ी मिसाल है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच।